ये लकड़ी से बनना था, बोर्ड से, मतलब लकड़ी तो आजकल कहाँ यूज होती है। ये हमारा वो नहीं है, सूरैक वगैरह नहीं है, ये जो यहाँ पे अलमीरा बननी है ना, ये उसका है। ये नीचे का पार्ट है, अभी इसमें सनमाइका लगना है, इस तरह का ना, ये थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है, इस तरह का लगेगा ताकि ये थोड़ा ओल्ड लुक हो। ये वाला जो है ये यहाँ आएगा और ये टीवी के नीचे रहेगा, और वहाँ पे अभी बनना है इस जगह पे। और जो ये है, जो है ये इसके ऊपर लगेगा। अभी इसको यहाँ पे सिर्फ अभी ये और ये रख के दिखाता हूँ मैं कैसा है। ये कुछ इस तरह से होगा, ये कैबिनेट बनेगी ऊपर तक, और ये यहाँ तक, और इस जगह पे एक और बनेगी ऊपर तक, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह के लिए। बाकी टीवी बीच में है, सेंटर अलाइन से थोड़ा सा शायद नहीं है, कोई नहीं, देखते हैं उसका भी। अभी तो वैसे ही रखा है, अभी तो होएगा, अभी तो जैसे मैंने बताया ये वाला जो ये उसके ऊपर यहाँ पे होएगा, देखते हैं क्या बनता है। ये हमारे ड्रॉर्स आ गए हैं ये इसके। बाकी भाइयों ये हो तो गया, मगर ये जो फोटो बना के दी है ना, ये ये उससे नंबर मिल, सुन रहे हो तुम, ये बंद करना बार बोला प्लीज, जो फोटो बना के दी है ये उससे बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलग। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये इसमें थोड़ा सा इशू है कि ये अब जगह नहीं है यहाँ पे रखने की, तो हम इसको अब एक ड्रॉर कम करवा के नीचे करवाएंगे, तब ये जाके प्रॉपर बनेगा। नंबर भाई ऊपर सामान भी पड़ा, पानी की तरह अभी कटेगा ये, इतना इतना समय लगेगा इसमें, लगेगा यहाँ वाले सनमाई का तो लगेगा, जो मैं कह रहा हूँ वो वाली बात। अब जो इसमें जाने आईफोन के एक आईफोन एक ड्रॉर ऊपर है, एक ड्रॉर कम ऊपर है करना है अब इसको। ये वाली कम कर दीजिए, हाँ चाहे मेरा फोन एक ड्रॉर कम के होगी तभी। चलो ठीक है, खड़े हो दो दोस्तों। साथ नहीं, वो बताना होगा ना कि क्या करना है। थोड़ी देर को तेरे पे अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपके पास कंटेंट पहुंचाने की ड्यूटी मेरी है। मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नया नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट आप तक लेके आऊँ, और इसमें मैं बोलने वाला पार्ट भी थोड़ा कम ही रख रहा हूँ इस बार वाले वीडियो में, ताकि आपको जो असली काम हो रहा है वो पता लगे, कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और आप डिजाइन्स भी अच्छे से ले सकें। जो टीवी पैनल यूनिट है उसके लिए नॉब्स की ज़रूरत थी, तो ये वाले नॉब्स मैंने पसंद किए, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। वुडन है ये, बीच में मेटल लगा हुआ है, तो ये अमेज़ोन से लिए मैंने,
एंड इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको भी परचेज करने हैं। काफ़ी अच्छे हैं, लगे हुए भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और ड्यूरेबल भी हैं, अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं। ये सोफा लिया था तो इसका आज कवर मंगवाया हुआ है, उसको हम इस पे चढ़ाएंगे। उससे पहले इसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करेंगे, सबसे पहले टेबल को, उसके बाद में बाकी। अभी तो देखो सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, ये जो बन रहा है ना ये वाला काम रह गया, सिर्फ इसको ऊपर लगाना है। यहाँ पे ये सारा ना यहाँ पे मोल्डिंग से लग के इसको कवर किया जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे एक ऐसे क्या बोलते हैं शेल्फ लगेगी, और जो ये टीवी है ये टीवी इधर बीच में आएगा। ये वाली अलमारी में ऐसे ऊपर से ना राउंडेड सा इस तरह से आगे का दरवाजा बनेगा, ग्लास लग जाएगा और ये लाइट्स वगैरह सब हो जाएगा। एंड जो वो सामने वाली जगह है इसमें क्या है कि मैंने पिक्चर लाइट लगा के ना नीचे वॉलपेपर लगा के और उसको फ्रेमिंग का सोचा था, बट अभी थोड़ी सी देर रुकना है, पैसों की कमी तो उसके लिए थोड़ा सा रुकेंगे, अभी अभी नहीं काम कराएंगे वो वॉलपेपर वाला, उसके भी रुक के करेंगे। तब तक वहाँ पे ना कोई इमेज इमेज कह रहा था फोटोग्राफी या पेंटिंग वगैरह लगा देंगे, फिर वो जगह है ना वहाँ लग जाएगी। बाकी ये वैक्यूम क्लीनर से क्लीन होना शुरू हो गया, अभी सारा क्लीन हो जाएगा अच्छे से। फिर इसके लिए जो कवर मंगवाया है अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, फिर वो कवर इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि ये गंदा ना हो, क्योंकि जैसे इसका ये बेज आइवरी जो भी कलर बोलते हैं इसको, आई एम नॉट वेरी श्योर कलर्स के नाम मुझे इतने नहीं पता लगते, बेज ही है, तो उसको यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे ताकि ये गंदा ना हो। एंड वो तो क्लीन कभी भी हो जाएगा, कवर कभी भी धो लो, तो उसको डाल के फिर दिखाते हैं। बस ये क्लीन हो गया, अब इसके ऊपर कवर डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लगेगा वो। तो ये वो कवर है जो ये ऐसे इसमें ना इस तरह से बना हुआ है, इसका कपड़ा ना मुझे कुछ कुछ चुन्नी टाइप का लग रहा है, एनी हाउ तो ऐसा है। इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है और ये ऐसे निकला है कुछ पैकेजिंग का ट्यूब्स टाइप का, तो ये अभी इस पे डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है ये। ये हम ट्राई कर रहे हैं, वैसे इस सोफे के अकॉर्डिंगली ये छोटा है कवर, मेरे को लग रहा है इसके लिए ना कस्टमाइज ही बनवाना पड़ेगा, इससे काम चलेगा नहीं, बाकी देखते हैं अभी। ये ना साथ में इस तरह के आते हैं ताकि इसको बीच में ऐसे ना साग के जैसे वो आपको दिख रहा है ना अंदर को हो गया, उधर को डालने के लिए है ताकि ये इक्वली इसके अंदर चला जाए।
अभी आपको दिखाते हैं कैसे। ये इस तरह से इसमें इंसर्ट करते हैं ताकि ये इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाए। ये जगह एक असिस्टेंट भी आई है। हेलो असिस्टेंट। इसमें नीचे ऐसे फ्रिल्स हैं तो ये हमारे मदर की खास ख्वाहिश थी कि ऐसे और बाई चांस वैसा मिल ही गया। बट इसमें ना ऐसे स्ट्रेच करने पे क्या है थोड़ा इधर से ये निकल गए या पता नहीं डिजाइन में ऐसे हैं, देखते हैं। मैंने ना इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया तो उससे क्या है ये वापस वैसे ही नॉर्मल उसमें चलेगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं और ताकि ये और वो हो जाए, ये ऐसे डिजाइन वापस हो गए। साइड में भी ऐसे फ्रिल है और दूसरी तरफ भी फ्रिल था, बाकियों में भी है, अच्छा लग रहा है। ये भी थोड़ा सा खिंच गया इसलिए थोड़ा डिजाइन का ऐसे हो गया। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कर देता हूँ। इसे फॉरनर बोलते हैं, ग्रैंडमा कोड उनका डिजाइन एलिमेंट है, मतलब स्टाइल है, अच्छा लग रहा है। इसको पता नहीं कैसे वो हो जाता है, ये जब भी इसकी वीडियो बनाने लगो ये साइड में हो जाता है।
दिखेगा। अभी सब कुछ बंद तो गया है, उसकी क्लीनिंग करने लगे। अब क्लीनिंग करेंगे और फिर इसमें सामान रखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ग्लास है ना, इसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट चलो थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़े दाग तो नजर आएंगे। ग्लास में तो पूरी तरह से छूटते नहीं है। टॉवल से कर रहा हूँ मैं साफ। वैसे तो कॉटन का कपड़ा यूज करना चाहिए, बट था नहीं मेरे पास अभी, तो टॉवल से ही करने लगा हूँ। स्टेयर रखी हुई है इस तरह से। ग्लास के साथ रखना बड़ा मुश्किल है, जितनी मर्जी कर लो, क्योंकि वैसे भी हमारे सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके कारण से सफाई जाएगी। ऐसे ट्रेडिशनल स्टाइल में शेर बना हुआ था पुराने जमाने में, ये मेरे फेवरेट है। चार का सेट था पर एक टूट गया। ये मेन है, इसको मेन ही रखना है, बाकी सब छुपर है, ये मेन है। बताई थी मैंने, साथ साथ जो पुराना सोफा पड़ा था ना, मैंने उसको भी रेनोवेट करा दिया। रेनोवेट ही बोल रहा हूँ उसको, उसके ऊपर क्या है, उसको थोड़ा सा कट करवाया, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था और जैसे अपार्टमेंट के डोर्स है ना उसके अंदर से जा नहीं रहा था, सिर्फ मेन डोर से, तो उसको थोड़ा कट करवा के और फिर उसको रीपॉलिस्टर करवाया है। उसमें हमने कपड़ा लगाया है और कपड़ा का फील जो है और लुक जो है वो लेदर जैसी है, वैसे वो एक्चुअल में कपड़ा ही है, तो वो करवाया है। तो पहले ये जो भाई साहब बैठे हैं अंकल, इनसे करवाया था, इनको बुलाया था, बट ही वॉज मोर और लेस लाइक सर, ठीक है, मतलब कर ही नहीं रहा था। तो हमारे जो कारपेंटर भाई हैं ये यही सारा कुछ करने लगे थे, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। और ही वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, ये कर दो वो कर दो, ठीक है इसको कट कर दो, चलो ठीक है उसका वो काम नहीं है, बट तरीका भी होता है। और मेरे को कह रहे हैं 5-7 दिन तो नहीं, हफ्ता 10-15 दिन तक लग सकते हैं इसको करने में, अकेला बंदा करने वाला, और मैं ये कर दूँ वो कर दूँगा, मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ, तो मैंने फिर इसको हटा दिया, तो उसकी जगह फिर दूसरों को हायर किया। इस सब के बाद में बारी आई किचन कैबिनेट की, पैंट्री टाइप, इसमें माइक्रोवेव और ओवन वगैरह रखने का। पीछे आपने देख ही लिया कि ये वाली जगह जो है ये खाली है, जहाँ चेयर पड़ी है, यहाँ पहले फ्रिज था, तो मुझे मालूम है कि ये यहाँ रख के बना के मतलब कबर्ड जो है उससे थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, बट रिक्वायरमेंट अब है, अब चीज़ें हैं, अब उसको कहाँ रखें। तो आई एग्री कि थोड़ा सा किचन जो है वो पतला है, थोड़ा चौड़ा होता तो वो है, तो खैर अपार्टमेंट का लेआउट इस तरह से है, तो ये वही बन रही है, उसको यहाँ पे रखेंगे एंड देखते हैं अभी आगे कैसे चलता है। तो ये इस तरह का से इसका ना स्केलेटन बन गया है। अब इसको लगा के देखा है कि ये कौन सी साइड में सही रहेगा, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो जहाँ फ्रिज पहले इसी साइड में पड़ा हुआ था,
लास्ट में हमने डिसाइड किया कि इसको शिफ्ट कर लिया जाए, दूसरी तरफ फ्रिज करते हैं। पुराने सोफे को नया करने के लिए सामान आ चुका है, ये पतले वाली फोम और ये जो कपड़ा वो नीचे लगता है ना, बिल्कुल नीचे को सोफे के, ये वो है। ये पेपर वगैरह जो पड़ा हुआ था, प्लास्टिक शीट्स, वो जो गद्दियां हैं, कुशन्स हैं, सीट्स वगैरह की जो ये भी लगा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब आया हुआ है। ये भी वही है, फोम टाइप, क्या बोलते हैं इसको, फोम ही बोलेंगे ये वाला भी, तो ये वो लग रहा है। इसके बाद में ये वाला कपड़ा है जो मैंने चूज किया था, तो ये वो है, इसकी कटिंग हो रही है। ये वाले सोफे हैं पुराने, इसको नया करवा रहा हूँ। कभी था भाई? क्या कितना है? जो ये है ना, ये पुराना वाला शूरैक है, पार्टीशन टाइप का बनाया हुआ था जो, तो उसको भी थोड़ा सा मैंने चीजें चेंज करी हैं। उसमें कुछ सेक्शंस टाइप, शेल्फ्स टाइप बनवा रहा हूँ मैं, इस तरह से लगा के ना। अभी जब बनेगा तब आपको पता लगेगा। तो इसके अंदर ये जो सामने स्क्वायर है, इसमें कोई पेंटिंग वगैरह लगा सकते हैं। और अभी शेल्फ बनेंगे ये पार्टीशंस के साथ में, उसमें हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, कोई चाहे छोटी एक शो पीसेस या प्लांट्स या कुछ भी। तो ये उसके लिए बनाया, एक माइंड में कुछ आइडिया सा था, अभी एक्चुअल में कैसा बनेगा बन के पता लगेगा। मैं जगदेव को कहा कि ऐसे पकड़ के बैठो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई पेंटिंग कैसी लग रही है। मैं दूर से भी देखूंगा। मैंने ना सारे काम कट्ठे छेड़ लिए इस बारी। तो ये मंदिर है, मंदिर थोड़ा सा हाइट इसकी कम थी, तो हमें हमेशा ये फील होता था कि थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इनफैक्ट काफी साल पहले जब मंदिर बनवाया था ना, उस टाइम जो कारपेंटर था उसको बोला था मदर ने कि ऐसे करना है, बट उसने खैर चलो कोई बात नहीं, उसने थोड़ा छोटा बना दिया था, तो उसी को थोड़ा बड़ा करवाया है ऊपर से कट करवा के। तो ऊपर वाला पोर्शन कट हो गया और नया उस पे बॉक्स बन के ये बड़ा हो गया, तो वही अभी पेंट हो रहा है अभी मंदिर को ना। मैंने ये ना इस तरह से लाइट्स लगवाई हैं, ये मैं लेके आया था, ये दोनों लाइट्स ना, ये जब उधर के लिए पिक्चर लाइट ली थी वो जो दिख रही है आपको, तो उस टाइम में लाया था स्पॉट लाइट्स, फोकस लाइट्स। तो ये जो ऐसे बन गया है, इसके ऊपर लगेगा फोटो लगेगी, और साथ में ये दो लाइट्स इस तरह से। आई होप ये अच्छा लगेगा। थोड़ी सी ना यहाँ से, इतनी सी ना यहाँ यहाँ से वायर ऐसे नजर आएगी, अब आएगी तो आएगी क्या बोल, तो इस तरह से देखते हैं अभी लगेगा ये, उसके बाद पता लगेगा कि कैसे। अब सारा काम खत्म हो चुका है और ये हमारे मंदिर का नया लुक है, मूर्तियां भी भगवान की हम नई लेके आए हैं। तो ये हमारा मंदिर है, और जो ये है ये टीवी वॉल वगैरह सारा कुछ है। लेफ्ट साइड में हमारी क्रॉकरी कैबिनेट हो गई, बीच में टीवी वॉल हो गई प्रॉपर आपके ड्रॉर्स वगैरह के साथ में, और वो सामने हमारा प्रोजेक्टर भी पड़ा है। एंड राइट साइड में जो है वो हमारे
शो पीस के लिए एक कैबिनेट सी बन गई है। तो ये इसका फाइनल लुक आया है। ये अभी 100% डेकोरेटेड नहीं है, मतलब चेंजेस चलते रहते हैं, डेकोरेशन तो चेंज होती रहती है, होनी भी चाहिए, आप एक जैसा देख के हमेशा बोर भी हो जाते हो, तो वो है इसमें ना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ, बाकी डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा क्लोज लुक है, ये काफ़ी पुरानी क्रॉकरी पड़ी हुई है हमारे पास, तो वो रखी हुई है, बाकी ये चीज़ें हैं। और ये जो मैं आपको वॉल दिखा रहा था, वॉल ही बोलूँगा, जो शू रखे ना उसके बैक साइड पे, तो इसमें इस तरह से शेल्फ्स रखे हैं एंड उस पर ऐसे सामान रखा हुआ है, कम ज़्यादा वो अपने डिपेंड करता है अपने ऊपर, तो वो है। और ये बाहर से लुक है, इस पर थोड़ा सा हमने डेकोरेट किया हुआ है चीज़ों से, प्लांट रखा हुआ है, लाइव प्लांट है, बाकी और पेंटिंग वगैरह है। और ये किचन में जो कैबिनेट बनाई थी पेंट्री और माइक्रोवेव ओवन रखने के लिए, ये वो है। तो ये हमारा फिनिश लुक है सारी चीज़ों का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया हुआ है। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।